जी जैसे कि आपने देखा, हमने आपको गांव का भी विजिट करवाया और वहां से जो है वापसी पर मैंने कहा कि थोड़ी सी चाय हो जाए। आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है कि आज 1 दिसंबर है, जी हाँ 1 दिसंबर है, आज 1 दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो सर्दी ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो आज बादल हैं हल्के हल्के आसमानों के, आसमान पर आज हल्के हल्के बादल भी हैं और हवा भी है, मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया है। तो मैंने सोचा कि ठंड से हम बहुत ज़्यादा काम करें, तो गुजर के हमें एक होटल नजर आया है, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ से थोड़ी सी चाय शाय हो जाए, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी बाइक पर, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर रोकी है और हम यहाँ चाय पीने के आए हैं। तो आपने वीडियो में हमारे साथ बने रहना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो नीचे ये देखिए, आप देख सकते हैं इन्होंने भी कपड़े वगैरह जो है टाइम से सर्दी स्टार्ट होने से पहले जो है धोकर सुखा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जैसे जैसे यानी कि टाइम गुजरेगा तो सर्दी का आवाज़ जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। आज ही थोड़ा चलते हैं अंदर। जैसे चाय का इंतजाम तो अंदर जो है रूम में है वैसे, लेकिन हमने कहा थोड़ी सी यहाँ पर भी सर्दी इंजॉय कर लें, तो हम भी यहाँ थोड़ा सा नीचे उतर आएंगे। तो सर्दी से जो है मुझे थोड़ी सी खांसी भी स्टार्ट हो गई है। तो आपको पता है कि सर्दी हो या गर्मी, हरियाली का जो मौसम है वो तो हर मौसम में ही खूबसूरत, हरियाली का यानी कि सॉरी नज़ारा जो है वो हर मौसम में खूबसूरत लगता है। क्योंकि ये देखिए आप, बच्चे हैं लोग जो हैं सर्दी इंजॉय करने के लिए भी बाहर जाते हैं, पीछे आप देख सकते हैं बच्चे बहुत खुशी से जो है आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि हमारे पास जब यानी कि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो चाय भी हमारी आ गई, साथ साथ हम चाय भी पी रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है 1 दिसंबर है आज, 1 दिसंबर की पहली शाम जो है बहुत खूबसूरत यानी कि हमने बना ली है आज, क्योंकि हम घर से बाहर आए हैं। घर से बाहर क्या गुजरते हुए यहाँ से हमने सोचा कि इतना थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो जी बाकी सब जो है अंदर हाल में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें बहुत सर्दी लगी है, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर जाते हैं, मैं सर्दी को इंजॉय करती हूँ, तो इसे भी मैं बाहर आती हूँ। चाय भी बहुत अच्छी है, बहुत मीठी की है। तो जी मैं आपसे ये कहने वाली थी कि आगे का ब्लॉग भी आपने ज़रूर देखना है। आज मैंने गन्ने शन्ने भी तोड़े हैं, खूब जोर लगा दिया है गन्ने तोड़ने में, तो वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है, एंड तक देखनी है वीडियो को। और भी चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिन्होंने कर दिया है उनका शुक्रिया। तो जी अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास रात हो गई है, तो हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक भी है और सर्दी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया आज। मैंने तो कोई जर्सी वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ, सिर्फ एक शॉल ली है। तो जी अब हम घर की तरफ निकलेंगे और ये कफ भी उनका दे देते हैं वापस। सामने जो है कमान तो इधर नजर आ रही होगी आपको, ये टमाटर लगे हुए हैं और इसके बाद ये नींबू है, मैं यहाँ से कोई 2-4 नींबू तोड़ रही हूँ। ये देखिए इसमें बड़े बड़े भी हैं नींबू और छोटे छोटे से भी हैं। फैमिली कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह की फजल करम से हम भी बिल्कुल खुश खाश हैं। तो जी आज आप पीछे के मनाज़िर भी देख रहे हैं, आज हम आए हैं गांव में। जैसे कि आपको पता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत सादा होती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर एक शहरी लड़की भी करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की सबसे परफेक्ट है।
तब परफेक्ट होती है जबकि वो सब काम कर सकती हो, शहर के हों चाहे गांव के हों, घर के हों या बाहर के हों, सारे काम जो है एक लड़की को आने चाहिए। तो जी इस वजह से जो है मैं हर काम में जो है खुद को ट्रेन करना चाहती हूँ। तो जी इससे मैं गांव के काम भी करती हूँ और शहर के काम भी करके आपको दिखाती हूँ। तो जी आज हम फिर से गांव में आए हैं और इसके साथ ही मैं आपको लीमू का दरख्त दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने कुछ लीमू भी तोड़े हैं, ये पड़े हैं छोटे छोटे से भी हैं और काफ़ी बड़े बड़े से भी हैं। और अब जो हम जा रहे हैं कमांड की तरफ, ये पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पर टमाटर उगाए गए हैं। फिलहाल तो इनको उन्होंने कवर किया हुआ है क्योंकि अभी अभी जो है टमाटर का बीज लगाया है। तो पीछे कमांड है, गन्ने हैं, उस तरफ भी चलते हैं, वो भी आपको मनाजे दिखाती हैं। आ जाए जी चलते हैं। तो जी अपने कमांड की तरफ, ये सारे गन्ने नजर आ रहे हैं आपको लगे हुए। ये देखिए आज मैंने गन्ना उठ लिया है, आज मैंने गन्ने को तोड़ लिया है। ये देखिए ये देखें जी कितना बड़ा गन्ना है ये। तो जी मैंने फाइनली गन्ना तोड़ दिया है, फिर देखो एक नहीं बल्कि दो दो तोड़े हैं। ये आपके लिए, आपके लिए, आपके यूट्यूब फैमिली के लिए, ये ले। तो जी फाइनली मैंने गन्ना यहाँ से चुरा लिया है, अब हम इसको खाएंगे। तो जी देखें जी गन्नों का खेत पीछे,